हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे बात करती हूँ रेनन्क्यूलस के फ्लावर्स के बारे में। ये सीजनल फ्लावर्स हैं ये भी, और देखने में एकदम ऐसे लगते हैं। ये वाला देखिए आप, गुथा हुआ गुलाब की तरह। अच्छा, इसमें ये होता है कि कोई पौधा जो है उसके फ्लावर जो हैं गुथे हुए होते हैं। अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। देखिए ये वाला है, ये कम गुथा हुआ है, इसका सेंटर ब्लैक कलर का है ना। ये वाला है, ये बिल्कुल गुथा हुआ है, इसका सेंटर दिख भी नहीं रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा फ्लावर है येलो के मुकाबले, और इसका सेंटर दिख रहा है। ये येलो से कुछ ज़्यादा इसमें पेटल्स हैं और फ्लावर्स जो हैं वो बड़े हैं। और ये वाला देखिए, इसमें एक ही में ये एक अलग ही वैरायटी आती है। देखिए ये एक तो ऑरेंज फ्लावर है, पौधा एक ही है ये, और बाकी ये हैं धीरे धीरे इनकी भी पत्तियाँ लाल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें ये फर्स्ट फ्लावर बड़ा आया है, ये छोटे आ रहे हैं, और एक ये है देखिए इसमें, ये कितना बड़ा फ्लावर है ये देखिए। लेकिन ये फ्लावर थोड़ा सा यूं खिल गया, ऐसे नहीं खिला, वो कितना बड़ा है। लेकिन ये फ्लावर देखिए, और ये अलग कलर है, और ये भी वो जो फर्स्ट हमने येलो देखा था उस तरह की वैरायटी है। देखिए इन पे पॉलिनेटर भी बैठा हुआ है, और इसमें अभी फ्लावर आने वाला है। इसका कलर मुझे लग रहा है पिंक और रेड होगा कुछ ऐसा ही। तो ये जो है ये पौधे भी मिलते हैं बाजार में, और इनके छोटे छोटे बल्ब्स भी मिलते हैं। वो बल्ब नहीं होते हैं एक्चुअली, इसकी जड़ें होती हैं ऐसी क्लॉ जैसी। जैसे आप मेरा ये हाथ देखोगे, बिल्कुल ऐसी क्लॉ जैसी इसकी जड़ें होती हैं, ऐसी सी छोटी सी होती हैं, इतनी इतनी सी, वो भी मिलती हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप पौधे लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है, उन क्लॉ वाली जो जड़ें हैं उनसे पौधे अच्छी तरह और हेल्दी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी हेल्दी जड़ें सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पौध लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस बार मुझे बिल्कुल छोटी, बाकी जो मैंने पौधे सारे लगाए हैं वो छोटी छोटी पौध से लगाए हैं, आप लोगों को दिखाया है, मैं रेगुलर दिखाती रहती हूँ। लेकिन रेनन्क्यूलस की पौध जो है वो थोड़ी सी बड़ी मिली मुझे, तो थोड़ी बड़ी पौध इसकी मिली है, तो इसमें फ्लावरिंग जल्दी हो रही है। और हो सकता है जब बाकी फूलों में फ्लावरिंग हो तब तक इसकी फ्लावरिंग फिनिश भी हो जाए। इसलिए मैंने कहा इसकी वीडियो आपको पहले ही बना के दिखाते हैं कि इस साल मेरे रेनन्क्यूलस कैसे खिल रहे हैं। तो पौध जो है वो जितनी आपके बाकी पौधों की पौध होती है ना, जैसे पिटूनिया, या उसी हाइट की लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक साथ सारे खिलें। लेकिन ये थोड़ी मुझे बड़े पौधे मिले तो इनमें फ्लावरिंग पहले आ रही है। और इसमें क्या होता है रेनन्क्यूलस में, जैसे इसके नीचे जो जड़ या जैसे बल्ब कहते हैं, वो जितना बड़ा होता है उतने ज़्यादा फ्लावर हेल्दी और थोड़ा बड़ा होता है। वैसे हो साइज़ उसका इतना सा होता है, किसी का इतना हो जाएगा, किसी का इतना, कोई इतना सा मिलेगा। तो आपको जो मैक्सिमम बड़ा दिखता है वो ही लेना चाहिए, और पौधा भी आप देख के हेल्दी लें। जितना अच्छा इसका नीचे की जड़ें होंगी या जिसको हम बल्ब कहते हैं वो होगा, उतने ये ज़्यादा फ्लावर करेगा। आमतौर पे एक पौधा जो है मेरे हिसाब से 10-15 से ज़्यादा फ्लावर नहीं देता है एक सीज़न में। और उसमें भी देखिए ये बड़े आ रहे हैं, इस बार की पता नहीं कैसी वैरायटी आई है, ये बाद वाले थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे। हमेशा मेरे एक ही साइज़ के आते हैं, लेकिन इसमें देखिए कलियाँ कितनी हैं, 4-6 कलियाँ और हैं, 2 फूल खिले हुए हैं। और ये वाला देखिए ये भी कैसे हो रहा है, इस बार ये जो ओले गिरे हैं उससे देखिए ये ऐसे ये मुड़ गया, टेढ़ा हो रहा है। ये वाला फ्लावर टेढ़ा हो गया, एक और टेढ़ा था वो मैंने काट के हटाया है, एक फ्लावर इसमें पिंक वाले में टूट के गिर गया था, तो ये भी थोड़ा सा नुकसान हो गया है। तो अब हम आते हैं कि जब हम इस पौधे को लगाएं तो कैसी मिट्टी में लगाएं। इसको लगाने के लिए बस वैसे ही जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं और 9 इंच के गमले में लगाएं, ज़्यादा बहुत बड़े गमले में नहीं लगाएं। या फिर एक लंबी ट्रे आती है ना, जो उसमें एक साथ 3-4 पौधे लगाएंगे और सारे खिलेंगे तो एकदम कलरफुल पौधे बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ी ट्रे जो आती है 8-9 इंच गहरी ट्रे, मैं दिखाती हूँ, मैं उसमें पिटूनिया लगाती हूँ, उसमें लगाएंगे तो भी एक साथ खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़े से इसके पौधे बाकी पौधों से महंगे आते हैं, आपको ये 50 रुपीज़ का मिल जाएगा या 100 का भी कई जगह दे देते हैं, तो थोड़ा सा महंगा आता है ये पौधा। तो मैं 9 इंची के में एक लगाती हूँ, और मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड, और 1/4 हिस्सा इसमें मैं खाद लेती हूँ।
1 1/4 जो भी मेजरमेंट होता है वो, तो ऐसा लेके इसमें फंजीसाइड पाउडर मिला के और एक मुट्ठी 9 इंच में एक मुट्ठी नीम का केक, नीम के खली हो या नीम की खाद आती है जो निमोलियों की, कोई भी जो आपको मिले वो एक मुट्ठी इसमें डाल दें। उससे इसमें जो है वो कोई फंगस मैंने देखा है इसके पत्तों में लग जाती है कई बार जब आप ज़्यादा पानी दे दें, तो पानी इसमें तभी दें जब इसकी ऊपर की लेयर हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं सूखनी चाहिए, नहीं तो फूल झड़ जाएंगे, सूख के फूलों में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए फ्लावर्स में, स्पेशली जब फ्लावर खिलने लग जाते हैं, कलियाँ आती हैं, तो मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। जैसे ही आपको लगे सूखने जैसी हो रही है उसी टाइम पानी दे दें, ओवर वाटरिंग नहीं करें, उससे ये पौधे का बेस है ना नीचे का ये वाला, यहाँ से ये जो है गल जाएगा पौधा आपका, उसमें फंगस लग जाएगा और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और लगाने के बाद जब आपके थोड़े से फ्लावर कलियाँ आने लगती हैं, फ्लावर जैसे लगता है कली निकलने लगी है, उस टाइम इसमें थोड़ी थोड़ी सी आप खाद और डाल दें, सूखी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैसे ये आपका गमला है तो इसमें आप इतनी सी खाद और डाल दें। खाद डालने के लिए यहाँ पे आप एक गड्ढा बनाएं, मिट्टी में ऐसे गड्ढा बनाएं आप, ऐसे 2-3 जगह गड्ढा बनाएं और थोड़ी 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 खाद चारों तरफ ऐसे थोड़ी थोड़ी गड्ढा बनाएं, खाद डाली, यहाँ गड्ढा बनाया, खाद डाल के बंद कर दिया, यहाँ एक एक चम्मच खाद 2-3 जगह डाल दें। जब आपके कलियाँ हल्की सी आपको लगता है बलने लगी हैं, मतलब जब आपने पौधा लगाया है ना उसके 20-25 दिन बाद एक बार आप उसमें ऐसे खाद दे दें। और फिर लिक्विड खाद इसमें हर 10 दिन में एक बार देते रहें। और जब आप इसमें फ्लावर आने कम हो जाते हैं ना फिर खाद देना बंद कर दें। वैसे तो जब हम इसमें खड्डा खोद के खाद एक बार डाल देते हैं ना 20-25 दिन बाद, उसके बाद लिक्विड खाद की इतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है तो उसको इंस्टेंट खाना भी चाहिए होगा, तो आप 10 दिन में एक बार देख के 10 दिन में एक बार लिक्विड खाद, जैसे ये 9 इंच के गमले हैं तो लिक्विड खाद कैसे देनी है वो मैं बताती हूँ। अगर आपको गोबर वाली लिक्विड खाद देनी है जो मैं बनाती हूँ, आपने बनाई हुई है, तो वो 1 लीटर खाद जो है वो आपको 1 बाल्टी या 10 लीटर पानी में मिला के डाइल्यूट करके देनी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 बड़ी बाल्टी में 2 मुट्ठी खाद को रात को भिगो दें या 1-2 दिन भिगो लें उसको, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें, इतना सा गुड़ भी डाल दें, उसको 1-2 दिन भिगा रहने दें उस खाद 2-3 मुट्ठी खाद को, उसमें 1 मुट्ठी सरसों खली भी डाल दें और उसको भिगा रहने दें 2-3 दिन, और उसके बाद उसका 1-1 कप छोटा कप होता है वो 10 दिन में एक बार इनको देना है, तो वो जो आप एक बार खाद बनाएंगे वो आपकी महीना भर चल जाएगी। उसको ढक के रख दें अच्छी तरह और हिलाते रहें 1-2 दिन में एक बार, तो वो पानी आप 1-1 कप इनको देते रहें 10 दिन में एक बार, तो ये फ्लावर भी हेल्दी होंगे, पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, पत्ते अच्छे हेल्दी रहेंगे, नहीं तो। और पानी जब दें तो ना फूलों पे पानी दें ना पत्तों पे गिरना चाहिए, सिर्फ इन पे जो है मिट्टी में पानी देना है आपको। अगर पत्ते गीले हो गए तो पत्तों में फंगस लग के वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। अब जैसे कि मेरे आपको ये सफ़ेद दिख रहे हैं, ये फंगस वाले सफ़ेद नहीं है, ये एक्चुअली अभी आज मैंने इनमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा और बोवेरिया बासियाना जो है, ये दो आते हैं, एक बोवेरिया बासियाना इंसेक्टिसाइड है और ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है, जैसे आप लोग जानते हैं मैं डालती हूँ अपने पौधों में, तो उसको मैंने 1 लीटर पानी में आधा आधा चम्मच भिगो के और स्प्रे किया है इनके पत्तों के ऊपर ताकि इनमें कोई बीमारी वगैरह ना लगे, तो वो जो है इसलिए ये पाउडर जैसा आपको यहाँ पे इस पर वाइट पत्तों पे दिख रहा है, ये मैंने स्प्रे किया है ट्राइकोडर्मा और बोवेरिया बासियाना। और देखिए कितने कलरफुल और खूबसूरत फ्लावर्स हैं, इनमें रेड कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो अब कभी कोई कलर आ जाता है क्योंकि जब हम लाते हैं उस टाइम तो फ्लावर्स होते नहीं हैं तो इतना पता नहीं चलता है, तो लेकिन ये एक साथ खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा सा ऐसे दूर से जाते हुए हम दिखाएं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये खिले हुए। अभी मैंने ये नए गमले हैं इनमें अपना वो रेड वाला जो मैं कलर करती हूँ वो भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये फ्लावर्स देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये प्लांट्स लगाने हैं तो आप नर्सरी से अभी भी आपको बड़े वाले बड़े गमलों में लगे हुए मिल जाएंगे, अगर आपको शौक पूरा करना है गमलों में लगे हुए मिल सकते हैं, आप लाके लगा सकते हैं, लेकिन ये अगर अभी नहीं लगाया तो नेक्स्ट ईयर से ही लगाएं, बहुत प्यारे लगते हैं।
कलरफुल और रोज जैसे फ्लावर्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।